आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं बिजनौर की कुछ खास खबरें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज बिजनौर मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के नेतृत्व में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि हम सबको अपने घरों पर तिरंगा लगाकर देश की आजादी की खुशियों में शामिल होना चाहिए। यह तिरंगा पैदल यात्रा डाक खाने से प्रारंभ होते हुए मेन बाजार शविल लाइन जजी चौराहा नुआइश ग्राउंड होते हुए पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई। वहीं अफजागढ़ में भी सीओ व कोतवाल के नेतृत्व में कोतवाली से मुख्य चौराहा तक तिरंगा यात्रा निकालकर सभी को आज़ादी का एहसास कराया और तिरंगा लगाने की अपील की गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व सीओ व कोतवाल और चेयरमैन पति द्वारा किया गया। हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी बहुत प्रफुल्लित हैं, गौरवान्वित हैं। हमारे अंदर एक गौरव और स्वाभिमान की अनुभूति हिलोरे ले रही है और मैं सबसे कहूँगा कि अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में भाग लें। आज हमें गर्व है कि हम 75 वर्ष की यात्रा के बाद भारत आज जहाँ विश्व के पटल पर खड़ा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है। विज्ञान तकनीक सभी क्षेत्रों में हमने जो प्रगति की है, आज हमें गर्व हो रहा है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि अपने घरों पर तिरंगा लहराएँ और इस गौरवपूर्ण क्षण में मैं इस समारोह को सफल बनाएँ। लेकिन ये जल्दी की लेकिन से